चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और महागठबंधन के जो प्रत्याशी है वो सुपौल के सड़कों पर जनता के बीच जाकर के आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो तमाम लोगों से हाथ हिला करके प्रणाम करके अन्य तरीके से जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं वो आशीर्वाद ले रहे हैं। आपको बता दें आज 4 बजे के बाद से चुनाव प्रचार जो है वो खत्म हो जाएगा और उससे पहले जो समय है महागठबंधन के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो जोश में देख सकते हैं आप किस तरीके से जोश है। महागठबंधन के प्रत्याशी हैं सुपौल से मिन्नत रहमानी जो हाथ हिला करके तमाम लोगों से जो है वो प्रणाम करके आशीर्वाद जो है वो लेना चाह रहे हैं। पूरा सुपौल जो है वो पैदल ही घूम रहे हैं। आपने इससे पहले भी प्रचार देखा होगा जहां पर लंबी लंबी गाड़ियां होती है मगर ये कांग्रेस प्रत्याशी जो है वो सड़क पर निकले हैं पैदल निकले हैं। रहमानी जी क्या कहेंगे, गाड़ियां नहीं आपके साथ, नेता तो गाड़ी के साथ निकलते हैं आशीर्वाद लेने। देखिए हम तो जनता के लिए ही चुनाव लड़ रहे हैं और जनता ही हमारा चुनाव लड़ रही है। हमारी पूंजी जनता है, गरीब है, किसान है, मजदूर है, नौजवान है और जो कोसी के पीड़ित हैं वो हमारी जनता, हम उनके साथ चल रहे हैं। और गाड़ी घोड़े वाले तो एसी में बैठ करके वो गाड़ी के अंदर ही प्रणाम करते हैं और वो कभी जनता को बुलाते नहीं है। इसलिए हमारी कोशिश है, हम जनता के बीच में इसी तरीके से नामांकन में भी आशीर्वाद लिया था, आज अंतिम दिन भी हम आशीर्वाद ले रहे हैं। अच्छा तो सुन सकते हैं सुपौल से जो कैंडिडेट है महागठबंधन के प्रत्याशी है साफ तौर पर वो बता रहे हैं कि हम तो जनता के आदमी हैं, हमारे पास लंबी गाड़ियां नहीं है, हमारे पास एसी कमरा नहीं है, हम जनता के हैं इसलिए जनता के बीच जनता के तरीके से जाते हैं, पैदल ही निकले हैं, घर से निकले हैं पैदल और सुपौल के सड़कों पर महागठबंधन के जो तमाम कार्यकर्ता उनके साथ है वो आशीर्वाद मांग रहे हैं। तस्वीर साफ बयां करती है कि कोई गाड़ियां नहीं है इस रैली में और आखिरी दिन चुनाव प्रचार का पूरा जो ताकत है वो झोंक दिया है और पूरे जोश में जो कार्यकर्ता है वो नारेबाजी कर रहे हैं, महागठबंधन की एकता के बारे में बात कर रहे हैं, आवाज़ दो हम एक हैं महागठबंधन का जो है वो नारा दे रहे हैं। कल तेजस्वी यादव ने भी साफ तौर पर कहा था कि सुपौल में चुपचाप हाथ छाप पर भरोसा करना है और कार्यकर्ताओं की गूंज आप सुन सकते हैं, कार्यकर्ता किस तरीके से ऊंचे स्वर में जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस बार यहाँ से जो 30 साल से जो है यहाँ सत्ता कब्जा किए हुए उनको उखाड़ के फेंक देना है, तैयार है एकदम सारा जनता का समर्थन हम लोग के साथ है। तो कार्यकर्ताओं को जोश को देख करके आप समझ सकते हैं कि सुपौल में इस बार क्या होने जा रहा है। आप बने रेडलाइन बिहार के साथ, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरें आप तक सबसे जल्दी पहुँच सके।